यह धरती भगवान बुद्ध की पालीवर्ड जो है नालंदा शब्द नालम पलत का नालम मतलब ज्ञान या कमल और दा मतलब दान। जो जगह पूरे संसार को ज्ञान का दान देता था वह जगह सुनी। यहाँ पे शिक्षा का शुरुआत भगवान बुद्ध के द्वारा 6th century BC में यह एक सुंदर बगीचा था। अकॉर्डिंग टू पाली टेक्स्ट के अनुसार यह पावरी ताम्रवन था और राजधानी थी राज्य। उस समय राजा 6th century BC में बिंबिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु भगवान बुद्ध के बड़े भक्त हो गए और उन्होंने अपना उपवन दान दे दिया। भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है बोधगया। राजगीर में कुछ दिन जो तपस्या किए थे गृहकूट पर्वत पे जहाँ पे आज रोपवे बना। तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 चतुर्मास यहाँ पर जुटा, तब इसका नाम नालंदा हुआ। यह नालम प्लस दा जो पालीवर्ड हुआ। दूसरा जो है डिफिनेशन सुघोष के द्वारा है न प्लस अलम प्लस द इति विदाति नालम। न मतलब अनंत, अलम मतलब कमल या ज्ञान और द मतलब विनिर्वाण। जो जगह अनंत ज्ञान देती है वह जगह भी नालंदा। भगवान बुद्ध के 2 शिष्य चूंकि वर्षावास जब करते थे तो 2 शिष्य हुए लोकल जो उनके प्रधान शिष्य थे सारिपुत्र और मोदगलाय। सारिपुत्र का जन्म नालगांव था वह भी आगे चल के नालक को वही नालंदा बना। मोदगलायन का जन्म कुलितग्राम था। उनका निर्वाण मध्य प्रदेश सांची में हुआ जहाँ सांची कहते थे। सारिपुत्र जी का जहाँ जन्म हुआ उसी जगह निर्वाण हुआ जो आज नालंदा का मेन टेम्पल है। इस तरह से सारिपुत्र और मोदगलायन भगवान बुद्ध के बाद यहाँ जो है बच्चों अपने संघ को संभालने का काम करते थे, अपने शिष्यों को बतलाने का काम करते थे। धीरे धीरे गुरुकुल यह 900 साल तक यहाँ गुरुकुल चला। जब सम्राट अशोक 261 BC में उस समय राजधानी राजगीर से हट करके पाटलिपुत्र ट्रांसफर हो गई तो सम्राट अशोक पाटलिपुत्र के सम्राट हुए। बौद्ध धर्म जो है कलिंग युद्ध के बाद 261 BC में कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म ग्रहण किए और यहाँ पे कुछ मोनास्ट्रियाँ बनवा दी, कुछ इनकम डोनेट कर दिया, जिसके कारण यह जगह की प्रसिद्धि पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और भगवान बुद्ध के 900 साल बाद कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसी जगह पे दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय यूनिवर्सिटी नालंदा बनाया गया जहाँ पूरे संसार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। रहना पढ़ना खाना पीना सब फ्री था। तब यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और पढ़ाने के लिए 2,000 थे। अब हम अपने देश को देखते हैं तो हमारा देश ही पूरे वर्ल्ड का गुरु था। 3 यूनिवर्सिटी बन पूरे वर्ल्ड में। तो विश्व का सबसे पहला शिक्षा केंद्र बना था तक्षशिला नाम से जो पाकिस्तान में चला गया। तो वह जो है 700 BC में बनी थी। वहां पे सबसे प्रमुख व्यक्ति में आते हैं जीवक कुमार वृत्त जो वहां से चिकित्सा का शिक्षा लिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट अशोक के दादाजी हुए ये सब वहां से शिक्षा लिए। तक्षशिला पर 4th AD में हुन लोगों का अटैक हुआ। हुन लोग टर्की से बिलोंग करते थे, जो है आक्रमण करके डिस्ट्रॉय कर दिया। तब बना नालंदा 4th AD में। जब यह बना तो यह 10 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा था जहाँ 10,000 बच्चों को रहने के लिए 10,000 रूम बने हुए थे। आचार्य टीचर के लिए अलग से रूम बने हुए थे। तीसरा यूनिवर्सिटी बिहार में ही बनता है विक्रमशिला नाम से जो भागलपुर। तो विक्रमशिला की स्थापना मगध के राजा धर्मपाल के द्वारा 800 ईस्वी में हुआ। वह जो है छोटा यूनिवर्सिटी था नालंदा से। वहां पे तंत्रयान थेरवाद महायान ये सब का जो है पढ़ाई वहाँ पे। वहाँ के प्रमुख व्यक्ति में अतीश दीपांकर पद्म संभव जैसे व्यक्ति रहे। नालंदा में पढ़ने चीन के 2 बौद्ध विद्वान आए हुएनसांग और रिप सिंह जो 6 वर्ष पढ़े और पढ़ाए भी। उन्होंने डायरी लिखा हुएनसांग ने CU की नाम से वो डायरी है। उसमें वो लिखते हैं कि जब कुमारगुप्त प्रथम ने 413 ईस्वी में यूनिवर्सिटी बनाई थी तो इसका कंस्ट्रक्शन एरिया जो 10 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा था इसके कैंपस में बहुत सारी सुविधाएं थी। 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी 9 मंजिला था। रत्न सागर नाम से रत्नादधि और रत्नंजक 6-6 मंजिला था और तीनों लाइब्रेरी का कंबाइंड नाम था धर्मगढ़। यहाँ पे बामन तालाब थे जहाँ बच्चे लोग स्नान करते थे और वो कमल के पुष्प से भरे रहते थे। इस तरह से यहाँ पे जो है 4 दरवाजे थे और 200 गांव का इनकम राजाओं ने डोनेट कर दिया था इस विश्वविद्यालय के निमित्त, जिसके कारण वहाँ से उपज आय प्राप्त होती थी। उससे विश्वविद्यालय का मेंटेनेंस होता था क्योंकि फ्री पढ़ाई हो रहा है। तो वहाँ जब बच्चे पूरे संसार से आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते थे चीन जापान कोरिया मलेशिया
थाईलैंड, बर्मा, हांगकांग, वियतनाम, नेपाल, भूटान, लंका, तिब्बत, ताइवान, मिस्र, फ्रांस, यूरोप, टर्की तक से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, यह सोच करके कि काश मेरा एडमिशन हो जाए। सबका नहीं हो पाता था, उस समय एंट्रेंस व्यवस्था थी, कॉमन टेस्ट होता था, दरवाजे पे जो द्वार विद्वान होते थे टेस्ट लेते थे, 10% लोग पास करते थे, 90% फेल कर जाते। अब आप सोचिए कि जिसके गेटकीपर विद्वान हो टीचर कितने महान होंगे। ये 800 साल कंटिन्यू चला, और आप इतिहास उठा के देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में नालंदा यूनिवर्सिटी के सिवा और कोई यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट का नहीं। इसलिए सबका ड्रीम होता था, स्वप्न होता था कि मेरा शिक्षा जो है नालंदा में एक बार। 800 साल में सर ये 3 बार रिन्यूवेट हुआ, 3 बार इसका नयाकरण हुआ। तो कुमार गुप्त ने 413 में बनाया, तब ग्राउंड फ्लोर वो थी जो नीचे हम लोग को दिख रहा है। 200 साल बाद बाढ़ वगैरह से कभी कभी पानी आके डिस्टर्ब करता था, हर्षवर्धन राजा हुए बौद्ध राजा, उन्होंने इसका जो है जीर्णोद्धार करा, क्योंकि उस 200 साल में उसके बने हुए बिल्डिंग जीर्ण हो गए, रहने लायक पढ़ने लायक नहीं रहे, तो इस लेवल तक कवर कर दी, पुराने कंस्ट्रक्शन को ही बेस मान के ऊपर बना दिया, तो एक महिला नीचे दब गई। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं ये हर्षवर्धन का बना। फिर 200 साल बीत गई तो धर्मपाल राजा हुए 800 ईस्वी में, उन्होंने पुनः इसके ऊपर 2 फ्लोर और बना दिया। इस बात का पता यहाँ से निकला हुआ अभिलेख से चलता है। 1200 ईस्वी में टर्की इन्वेडर, जिसके नाम से एक रेलवे स्टेशन अभी तक कायम है बख्तियारपुर, पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसने अटैक करके यहाँ पे जो है शिक्षकों की हत्याएं की, स्टूडेंट मार भगाए गए और पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया। तो जब आग लगाया, उस समय का एक राइटर है मिन्हाजुज सिराज, उसके बुक का नाम है तबकाते नासिरी, उसके अनुसार यहाँ की 3 बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी कंटिन्यू 6 महीना तक जलती रही। बख्तियार खिलजी ने यहाँ जो है और भी एजुकेशन सेंटर थे, एक नालंदा का एक एक्सटेंशन पार्ट था, उसका नाम था उदंतपुरी बौद्ध यूनिवर्सिटी बिहार श्री नालंदा, जिस पर नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार श्री बस गया। विक्रमशिला बिहार में ही है, भागलपुर में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, उसको भी जला दिया, महाबोधि टेम्पल तोड़ दिए गए और ढक दिए गए। 1200 ईस्वी के बाद इस विश्वविद्यालय का कोई माए बाप रहा नहीं देखभाल करने वाला, मुस्लिम काल हो गए, इधर उधर से लोग आते गए, इसके पाइप बिल्डिंग को तोड़ते गए और इसके जमीन पर 9 किलोमीटर में अनेक गांव बस गए। ये मिट्टी के टीला के रूप में कवर्ड कर दी गई, ढक दी गई, 700 साल ये कवर रहा, डार्क हिस्ट्री। 1200 ईस्वी के बाद से इसका हिस्ट्री डार्क है, कुछ लिखित प्रमाण नहीं मिलता। इसकी पहचान 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुई, फादर ऑफ आर्कोलॉजी कहा जाता है उनको, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने ढूंढ के बताया कि यूनिवर्सिटी है, दबा हुआ है, तब इसका खुदाई हुआ 1915 से 1937 तक, वो भी मात्र 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। वेस्ट 9 किलोमीटर बर्बाद हो गया, अब जो है उसका रिकवरी नहीं हो सकता, चूंकि गांव तोड़ के बना लिए, घर बना लिए, लेकिन ऊंचा ऊंचा टीला जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, इतना ऊंचा ऊंचा टीला बचा हुआ है, वहां पे खुदाई होती है, सामान मिलता है, मूर्तियां, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, वो म्यूजियम में ला करके रखा हुआ है। तो अपोजिट साइड में आज वो म्यूजियम है सर, आइए चल के हम लोग देखेंगे, सारा बताएंगे, अंदर बताएंगे।